अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। हम हमेशा कुछ अलग और अनोखा आपको दिखाते हैं। आज भी आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से एक सामाजिक संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है और कहीं ना कहीं इन्हें स्वरोजगार देने का और स्वावलंबी बनाने का अहम कदम उठा रही है। वसुंधरा एंड इनिशिएटिव नामक संस्था राजधानी लखनऊ में कई ऐसे सेंटर चला रही है जिसके माध्यम से जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो घरेलू काम के साथ साथ ऐसी कला को भी सीख रही हैं जिनसे उनका गुजर बसर और गुजारा हो सके। आज आपको लेकर आए हैं उसी संस्था के एक केंद्र पर, जहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये विदिशा केंद्र है, अभिश्री ब्यूटी पार्लर के नाम से, एंड ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उन्हें सिखाया जाता है कि ब्यूटी पार्लर में किस किस कला को करके वो अपने चीज़ों को कर सकती हैं। आइए आपको मिलाते हैं उसी में श्वेता जी से, जिनसे हम बात करने वाले हैं, जो यहाँ पर सेंटर को देख रही हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर। तो जैसा कि हम लेकर आए हैं आपको इस केंद्र के अंदर, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये जो बच्चियाँ हैं ये किस तरह से सेंटर में काम कर रही हैं। और ये ब्यूटी पार्लर सेंटर है विदिशा, जो वसुंधरा एंड इनिशिएटिव संस्था है उसके द्वारा चलाई जा रही है। उसके साथ साथ इसके जो संस्थापक हैं वो रोली शंकर जी हैं, जिनसे हम आपको जल्द ही मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले संस्था के कार्यों को आपको दिखाते हैं कि किस तरह से राजधानी में से किया जा रहा है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना फातिमा है। तो सना, क्या सीख रहे हो उस केंद्र में? सर, हमने यहाँ पे ब्यूटीशियन का कोर्स किया हुआ है। जी, ब्यूटीशियन कोर्स करने से आखिर क्या स्कोप है, क्या कर सकती हैं वो महिलाएं या लड़कियाँ इस कोर्स को करने के बाद? इस कोर्स का मोटिव ये है कि कुछ लड़कियां होती हैं जिनको घर से बाहर जाके कुछ करने के परमिशंस नहीं मिलती है। तो जैसे हम लोग एक गांव के एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि लड़कियों को बाहर भेज रहे हैं काम के लिए, किस चीज़ के लिए। तो ये एक ऐसा काम है कि लड़की अपने घर से भी इसको कर सकती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर देखिए और भी बच्चे, ये सभी सीखती हैं यहाँ पर? जी जी। आप लोग सीख रहे हो? जी। क्या सीखा अभी तक? अभी तक हम लोगों ने ट्रेडिंग मतलब चलाना लाना सीखा है। अभी दीदी ये समझा रही हैं तो हम लोग यहीं पे समझ रहे हैं। ट्रेडिंग किस चीज से करते हो आप लोग? धागे से। धागे से करके दिखाओगे? जी। ठीक है, करके दिखाओ। बेटा, क्या नाम है आपका? अदीबा खान। अदीबा, क्या सीख रहे हो यहाँ पे? यही पार्लर का। पार्लर का क्यों सीख रहे हो? ऐसे ही करने के लिए। तो कौन सिखाता है, ये सेंटर किसने खुलवाया, कुछ पता है आपको? अभी नहीं पता है आपको? पता है जी, रोली मैम ने। रोली मैम ने खुलवाया जी। तो उससे आसानी मिली है? जी, हम लोग को सहायता करने के लिए, इसीलिए मैम ने कहा कि हम लोग मतलब इधर उधर मम्मी लोग बाहर जाने नहीं देती हैं, तो मम्मी कहती है पास में तो सीख लोगे, तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, इसीलिए यहाँ आने के लिए अलाउ करते हैं। जी। अच्छा, ठीक है। बेटा, क्या नाम है आपका? पिंकी रावत। पिंकी, आप भी सीख रहे हो? यस। तो क्या सीखा अभी तक? अभी तक थ्रेडिंग वगैरह कुछ सीखी? यस। अभी शुरुआत है क्या? यस। अभी जल्दी जल्दी हम लोगों ने ज्वाइन। तो यहाँ पर देखिए ये फेशियल शायद हो, ये फेशियल हो रहा है ना? जी, फेशियल हो चुका है, उसके बाद का ये पैक लगा। ये कौन सा फेशियल हो रहा है? ये गोल्ड फेशियल है। गोल्ड फेशियल जी। इसको करने से क्या होता है? इसमें इसको करने से चेहरे पे ग्लो, गोल्डन ग्लो आता है। गोल्डन जी। तो ये श्वेता जी का देखिए यहाँ पर फेशियल किया जा रहा है, अभी हम उनसे आपको मिलाएंगे। और एक और सेंटर है जो सिलाई कढ़ाई का सेंटर है, वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं और आपको मिलाते हैं कि संस्था किस तरह से काम कर रही है, जो महिलाएं हैं उन्हें किस तरह से आत्मनिर्भर बना रही है। क्योंकि राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश में तमाम संस्थाएँ हैं जो कहीं ना कहीं एक कदम तो उठाती हैं, लेकिन आखिर वो कदम कितना सार्थक होता है? राजधानी लखनऊ में जो वसुंधरा एंड इनिशिएटिव संस्था है वो किस तरह से काम कर रही है, वो किस तरह से महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है, ये आपको आज की खबर में हम दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो बच्चियां हैं वो किस तरह से ब्यूटी पार्लर के इस कोर्स को कर रहे हैं, ब्यूटीशियन के कोर्स को कर रही हैं,
संस्था की इस पहल की वजह से ही इन लड़कियों को कहीं ना कहीं अवसर मिला कि वो स्वावलंबी बने। हमारे साथ संस्था की सदस्य हैं श्वेता श्रीवास्तव जी, जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर संस्था किन किन मुद्दों पर काम कर रही है, क्या संस्था का मोटिव है, क्या पहल है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में और जो सेंटर ये विदिशा है इसके बारे में। एक्चुअली इसकी जो शुरुआत है, रोली दीदी ने यहाँ पे जब देखा कि यहाँ पे बच्चियों को बहुत बाहर निकलने की बहुत परमिशन नहीं है, तो उन्होंने ये सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने यहीं पर एक पहले एक ऐसा छोटा सा सिलाई केंद्र जैसा खोल दिया। ऐसे केंद्र खोल दिया पर एक महिला आती थी जो यहाँ पे सिलाई सिखाती थी, तो उनको लगता था कि हम लोग को गवर्नमेंट से कुछ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग खुद ही एक दूसरे की सहायता करके, यहाँ पे स्वयंसेवी संस्था है तो हम लोग आपस के कंट्रीब्यूशन से ये चीज़ें चलती हैं। तो फिर यहाँ पर सिलाई केंद्र खोला गया, तो यहाँ पे जब खुला तो काफ़ी बच्चियाँ यहाँ आने लगी जिनसे कि उनका विकास हुआ। फिर हम लोगों ने कई महिलाएं आगे आई कि उन्होंने कहा हम फ्री में आपको सिखाएंगे ट्यूशन का कोर्स या सिलाई का कोर्स, तो कई लोगों ने निःशुल्क यहाँ पे सिलाई सिखाना शुरू किया। तो ये विदिशा केंद्र के बाद हम लोगों ने अभिषेक ब्यूटी पार्लर भी खोला, तो यहाँ पर लड़कियों को कर दिया है। ये सनराइज़ अपार्टमेंट वगैरह में उनका अच्छा खासा काम भी चलता है, प्लस हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं जिससे वो कहीं पे भी अपना एक मान्यता प्राप्त दिखा सकें कि हम भी इस जो है उसमें पारंगत है। उसका ये जो आपका सिलाई केंद्र है कहाँ पर है? ये यहाँ पे भी है और एक सिलाई केंद्र हमने उधर की जो रिक्शा कॉलोनी वाली लड़कियाँ थी वो इधर नहीं आ पा रही थी, तो हम लोगों ने सेक्टर M1 में उसको। कितने लोग वहाँ सिलाई सीखते हैं? वहाँ पे भी मैं जो है 10-15 लोग सिलाई सीखते हैं। यहाँ पर कितनी लड़कियाँ हैं या महिलाएं? यहाँ पे कई लड़कियाँ सीख चुकी हैं, 40 से 50 लड़कियाँ सीख चुकी हैं और पर डे आती रहती है। जो नई नई लड़कियाँ हैं वो लोग सीख चुकी हैं, वो दूसरों की सहायता करती हैं सिखाने में जो पहले सीख चुकी हैं। अच्छा, इनके उत्साहवर्धन के लिए किस तरह के प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं और आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग तरह तरह के यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अभी जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे कई लोगों की जो बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियाँ यहाँ पे आती हैं तो वो उत्साहवर्धन करती हैं। यहाँ पे हम लोग कई कल्चरल एक्टिविटी भी करवाते हैं, प्लस यहाँ पे हम लोग कपड़े प्रोवाइड करते हैं तो वो लोग कुर्ते उर्ते सिलते हैं, तो हम लोग उसकी एग्जीबिशन भी लगाते हैं जो यही लोग बनाते हैं और यही लोग इसको सेल आउट करते हैं और जिसका इन लोगों को उसका पैसा मिलता है, तो इन लोगों में एक अच्छा एक उत्साहवर्धन होता है कि हमें। अच्छा, ये सभी बच्चियाँ सीखती हैं? हाँ, सब बच्चियाँ सीखती हैं। कोई कार्यक्रम करने वाले हैं आप? हम लोग एक अभी यही कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें रोली दीदी की किताब का विमोचन भी है और प्लस वो जो लड़कियाँ जो जिन्होंने इसमें सहायता की तो हम उसको एक सम्मान, नारी शक्ति सम्मान का भी वहाँ पे एक सम्मान हाँ रखा है। चलिए ठीक है। तो ई रिक्शा कॉलोनी जो कि आशियाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पर भी एक सिलाई केंद्र है। हम आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उन महिलाओं के हौसले को कैसे संस्था ने बढ़ाया, उसके साथ साथ सिलाई केंद्र खुलने से आखिर उन्हें किस तरह का सपोर्ट मिल पाया। तो अब हम लेकर आपको आए हैं विदिशा सिलाई केंद्र में। हमारे ऊपर जो देखिए सेंटर की बोर्ड लगा है कि विदिशा सिलाई केंद्र वसुंधरा एंड इनिशिएटिव द्वारा संचालित, तो हम आर्थिक आय वाली महिलाओं के लिए निःशुल्क यहाँ पर जो सिलाई केंद्र खोला गया है, महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर जो शिक्षण जो सिलाई का काम है उसको सीख रही हैं। और यहाँ की जो संचालन करता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। संस्था के कई पदाधिकारी हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि संस्था महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस तरह की पहल कर रही है। हमारे साथ कौर साहब हैं जिनसे हम पूरा परिचय जानेंगे और जानेंगे कि आखिर संस्था में किस पद पर वो कार्यरत हैं और संस्था किन मुद्दों को लेकर काम कर रही है। मैम, किन मुद्दों को लेकर संस्था काम कर रही है, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे हम और हमारे दर्शक। मेरा नाम लखविंदर कौर है और मैं विदिशा सिलाई केंद्र की डायरेक्टर हूँ और हम लोग यहाँ पर जो गरीब लड़कियाँ हैं, एक हमारा औरंगाबाद में भी है, वहाँ भी हमारा सिलाई केंद्र था, वहाँ लड़कियों को हमने जो गरीब लड़कियाँ थी उनको सिखाया, उसके बाद उनको स्वरोजगार भी दिया ताकि वो अपना सेल्फ डिपेंड हो। और उसके बाद एक ब्रांच हम लोग ने यहाँ भी खोली है, यहाँ भी हम लोग लड़कियों को सिखा रहे हैं। कितनी लड़कियाँ हैं या महिलाएं हैं जिनको शिक्षण आप लोग दे चुके हैं? हाँ, वहाँ पर देखिए 15-20 लड़कियाँ तो वहाँ थी, जो औरंगाबाद में सिलाई केंद्र था वहाँ की लड़कियों को शिक्षण दिया और उनको काम भी दिया और हमने उनसे कुर्तियाँ भी बनवाई हैं। जो ये हमारी कुर्तियाँ हैं वहाँ की लड़कियों को हम लोगों ने सिखाया, प्लस उन लोगों ने
ये खुद कुर्तियाँ बनाई हैं, इनकी हम लोग एग्जीबिशन भी लगवाते हैं। ये कुर्ती लगवाते हैं आपने? जब मतलब कि जैसे अभी रक्षाबंधन पे लगाई, दिवाली पे भी लगाई, हाँ त्योहारों पे लगाते हैं, या कभी हम लोग को जैसे कहीं पर एग्जीबिशन वगैरह हो तो वहाँ भी हम अपना स्टॉल लगाते हैं। तो लड़कियों की बनाई हुई कुर्तियों को हम लोग सेल भी करते हैं, उनका प्रमोट भी करते हैं कि ताकि वो उनको और वर्क मिल सके। यहाँ पर जो शिक्षण देती हैं इन लोगों को, कौन मैम है, क्या नाम है? ये हमारी सरोज मैम है, तो यही मैम सबको सिखाती हैं और उन्होंने ये सब लड़के। मैम क्या क्या सिखाती हैं जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और किस तरह का फीडबैक मिलता है? नहीं, फीडबैक तो बहुत अच्छा मिलता है, लड़कियां बहुत मन से सीखती हैं और हम लोग सिलाई का, लेडीज़ सिलाई को प्रेफरेंस देते हैं, जो भी लेडीज़ कपड़े होते हैं उनको हम बनाना सिखाते हैं इनको, और ये बहुत मन से सीखती हैं, जो भी लड़कियां सीख के जाती हैं बहुत अच्छे से सीखती हैं। चलिए लड़कियों से भी बात करके जानता हूँ अभी मैं। अभी हमारे साथ ज्योति जी हैं जिनसे हम बात करेंगे। ज्योति जी बताएं कैसा लगा इस संस्था से जुड़कर आपको, उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं किस तरह से मन लगा कर यहाँ काम करती हैं? बहुत मन लगा के काम करती हैं, आ जाती हैं, टाइम से आ जाती हैं, मैम टाइम से आ जाती हैं, सेंटर भी टाइम से हम लोग खोल देते हैं, तो अच्छे से सीख रही हैं लड़कियाँ। कितनी लड़कियाँ सीख चुकी हैं यहाँ? तो अभी नया खुला है, वहाँ तो 20-25 सीख चुकी हैं, उसके पहले वहाँ पार्लर भी हम लोगों ने सिखवाया था, उसका भी आपने देखा ही होगा, वहाँ पे चल रहा है पार्लर, और वहाँ पे 20-25 लड़कियाँ सिलाई भी सीख चुकी हैं, वो अपना जैसे मैंने बताया कि अपना काम कर ही रही हैं। यहाँ भी सीख के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियाँ इस तरह से सीख जाएँ कि यहाँ भी हम लोग इनको काम दें, ठीक है, प्लस मतलब बिच्छा का हमारे नाम रोशन हो और आगे जाए। जी 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 सर, अभी हम लोगों ने लॉकडाउन में तो कई हॉस्पिटल हैं और कई जगह से हमने वहाँ लड़कियों को मास्क बनाना बताया था मैम ने, और लड़कियों ने काफ़ी अच्छी अर्निंग वहाँ पर की, मतलब कि 5,000 रुपया उन्होंने उसी लॉकडाउन में कमाया, मतलब बहुत सारे उन्होंने मास्क बनाए। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए बच्चियाँ हैं जो सीख रही हैं, इनसे हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन है। क्या सीखा शाहीन अभी तक आपने? मैंने अभी तक तुरपाई सीखी है और बिखिया सीखा है, और मैंने सलवार बनाया सीखा है, और मैंने फ्रॉक बनाई है। कितना समय हो गया अभी यहाँ ज्वाइन किए हुए? अभी मुझे लगभग नहीं, अभी एक ही महीना हुआ है, एक महीना हुआ है। तो ठीक ठाक से सिखाते हैं जी? हम चार्ज भी लेते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ 50 रुपये में सिखा रहे हैं। सिर्फ 50 रुपये? नहीं, 50 रुपये खाली रजिस्ट्रेशन पंजीकरण। हाँ जी। तो संस्था की जो पहल है कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी, समझ में आ रहा है मुझे। पढ़ाई भी करते हो? जी हम पढ़ाई करते हैं 11th क्लास में। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चियाँ हैं, महिलाएं जो सीख रही हैं। बेटा क्या नाम है आपका? संजना। संजना क्या सीखा आपने सेंटर में? जी वैसे तो आज मेरा पहला दिन है, अब सिर्फ एक ही सिलाई सीखी। किसने बताया सेंटर के बारे में आपको? जी हमारे एक दोस्त है, उनकी मम्मी है, उन्होंने बताई। ये है। अच्छा, आप आपकी क्या नाम है आपका? पूनम सोनी। तो पूनम जी क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर? सर मैंने केवल मेकर बनाना सीखा है और पुतुल पाए करना सीखा है। अभी कितना दिन हुआ आपको? बस मुझे 2 दिन हुए। 2 दिन हुए। तो जो संस्था की पहल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? शगुन साहू। शगुन क्या सीखा आपने? मैंने तो सलवार काटना सीखा है। हाँ। तुरपाई सीखी और बखिया सीखा है। तो अब क्या करोगे सीख कर यहाँ से? यहाँ से सीख कर फिर मैं भी सिलाई करूँगी, सिलाई का काम अच्छे से सीख कर। ठीक है। तो संस्था इन सब विषयों को लेकर कहीं ना कहीं विशेषकर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम फिर से स्वेता जी के पास आने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इन सब विषयों को लेकर किस तरह का वो जो अधिष्ठान है, जो एक प्रोग्राम है भव्य स्तर पर लखनऊ में करने वाली है। मैम लगातार आप लोग महिलाओं के लिए खासकर काम कर रही हैं, उन्हें स्वावलंबी बना रही हैं, आगे क्या करने वाले हैं? आगे अभी हमारा ये गौतम बुद्ध शोध संस्थान में एक कार्यक्रम होना है जिसमें रोली दीदी की किताब का विमोचन भी होना है, और प्लस जो जिन्होंने इस संस्था के लिए सहायता की उनको सम्मान भी देना दिया जाना है वहाँ पे। कब होना है मैं? ये मैम सर 16 नवंबर 2022 को होना है, शाम को 5 बजे से हम लोग 4 बजे से हम लोग का कार्यक्रम है, तो वहाँ पर जो भी मुख्य अतिथि आएंगे तो उनके हाथों से सम्मान दिया जाएगा। अच्छा। हाँ तो श्वेता जी ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो या इस तरह के केंद्र चला रहे हो, किस आर्थिक बल कहाँ से मिलता है?
आर्थिक बल सर हम लोग साथ में ही मिलके, जैसे ये है लखविंदर मैम है, जैसे निःशुल्क मैम सिखाती तो सिखाने का कोई चार्ज नहीं है, इन्होंने अपना जैसे ये जगह प्रोवाइड कर दी है। प्लस हम लोग जैसे रोली दीदी हैं वो जो भी पढ़ाती हैं बच्चों को, वो टीचर हैं, केमिस्ट्री की टीचर हैं, तो वो जो ऑनलाइन क्लासेज लेती हैं ऐसे पढ़ाती हैं, वो सारा पैसा जो है इसी में लगता है। प्लस हम लोग जितने मेंबर लोग हैं मतलब सब लोग मिलजुल के हाँ उसको आगे बढ़ाते हैं कि उससे बच्चे। सेंटर में कितनी मशीनें हैं? सेंटर में यहाँ पे तीन दो मशीन, पीको मशीन है और एक ये अभी। तो आप ठीक है मैम, तो हम आपको दिखाते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पीको मशीन है और एक सिलाई की मशीन है, और ये जो शिक्षिका है जो सिखाती हैं वो मैम है, और संस्था के तमाम जो जितने भी पदाधिकारी थे, जो डायरेक्टर थे उनसे भी हमने बात की, और जो इसकी संस्थापक हैं रोली शंकर वो इन दिनों बाहर हैं किसी संस्था के ही कार्य को लेकर, और राजधानी लखनऊ में 16 नवंबर को एक भव्य कार्यक्रम इनकी संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एक पुस्तक का विमोचन है, उसके साथ साथ जो संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे लोग हैं उनका सम्मान समारोह है, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं जो संस्था में लगातार अपना समय दे रही हैं, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ हुनर सीख रही हैं जिससे आगे ज़िंदगी में वो गुजर बसर कर सकती है। तो ये थी संस्था की पहल जिसको हंगामा टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से आप सभी ने देखा। अब फिर मिलूंगा किसी खास खबर के साथ, आज के लिए बस इतना ही।